ओम मैस्ट्रो वास्तु चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मैं हूं आपका भाई वीरेंद्र सक्सेना, ज्योतिष विशारद, वास्तुविद की उपाधि से अलंकृत हूं। हस्तरेखा में काफी ज्ञान अर्जित किया हुआ है। इंश्योरेंस कंपनी से रिटायर्ड मैनेजर हूं। हस्तरेखा, वास्तुशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, भृंगु संहिता, शकुन शास्त्र आदि पर काफ़ी कार्य किया है और इसी पर हम आपका मार्गदर्शन करेंगे, ज्ञानवर्धन करेंगे। मेरे हर वीडियो में आपको इन्हीं विधाओं पर विभिन्न जानकारियां मिलेंगी जिनका उपयोग आप बिना खर्चे के करने के बाद लाभान्वित होंगे, ऐसी अवधारणा है मेरी। और इसी अवधारणा के कारण मैं चाहूँगा कि मेरे इस प्यारे से चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब करें ताकि मेरा हर वीडियो समय पर आपको मिलता रहे। धन्यवाद। आज का मेरा वीडियो जो है वो है शेयर मार्केट के लिए। नौकरी करते हैं कुछ लोग अपना बिजनेस करते हैं, दुकान चलाते हैं, अलग अलग है। किसी के साथ क्या होता है कि वो अपना फैक्ट्री लगा लेते हैं, तो ये अपने शो तरीके हैं। लेकिन कुछ लोगों का आज की तारीख में धन अर्जन या पैसा कमाने का एक मुख्य स्रोत और तरीका बन गया है शेयर खरीदना और बेचना। अब इसमें लोग कहते हैं कि ये किस्मत की घटना है, ये किस्मत से मिलता है, काफ़ी हद तक बात में दम है। लेकिन कुछ लोग ये कहें कि हम शेयर खरीद कर पैसा कमाते हैं, ये हमारी काबिलियत है, तो ये सबसे बड़ा झूठ है। अगर ये काबिलियत ही होती तो हर आदमी अरबपति होता आज। अगर निश्चित तौर पे आपको पता है ये शेयर खरीदूंगा इतने में बिकेगा, तो वो काबिलियत के बाद हर आदमी पैसा लगाने को तैयार नहीं होता। लेकिन आपने देखा होगा लाखों लोग इसमें डूबे हैं और इस बुरी तरह से डूबे हैं कि वो अपना जो जमा पूंजी है वो तो खराब करा ही करा, अपनी धन पूंजी अर्जित संपत्ति को भी उन्होंने इस मामले में बेचा है। अब हम आपको बताते हैं कि शेयर मार्केट के अंदर कौन आदमी, कौन मनुष्य, कौन जातक तरक्की पाता है। लगन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है किसी भी पत्री के अंदर। तो अगर किसी का लगन और उसका पंचम भाव और नवम भाव, जिसको हम धर्म त्रिकोण कहते हैं, धर्म त्रिकोण के अंदर अगर ये तीनों भाव अगर मजबूत हैं, स्ट्रांग हैं और इनके ऊपर दशाएं, जो ग्रह बैठे हैं, जो ग्रह देख रहे हैं, उनकी भी अच्छी दिशाएं हैं, तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा जातक अगर शेयर मार्केट में जाता है तो उसको कभी नुकसान होगा ही नहीं। इनके दशाओं में, अंतर दशाओं में तो और ज़्यादा लाभ होगा। बस उनको एक ही छोटी सी बात देखनी पड़ेगी। ऐसे लोगों के लिए मेरा निवेदन है कि शनि की साढ़े सती देख लें और क्रूर और पापी ग्रहों की अगर अंतर दशा चल रही है तो ऐसे वक्त, ऐसे समय में शेयर मार्केट को हल्का कर लें। अष्टम भी किसी का मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है। अष्टम को लोग अच्छा नहीं मानते। वो भी अगर किसी का अच्छा हुआ है तो उसको शेयर मार्केट के अंदर भयंकर लाभ होता है, क्योंकि ये हिडन इनकम है और शेयर मार्केट इज आल्सो हिडन इनकम, छुपी हुई चीज़ है। आज एक शेयर खरीद लिया, कल को 100 गुना हो जाता है, ऐसे उदाहरण मिलते हैं। अब हम आपको एक और चीज़ बताते हैं कि राहु और राहु के गोचर में, राहु की दिशाओं में, अगर मतलब किसी का ये चीज़ स्ट्रांग नहीं है तो उसके लिए हम बता देते हैं कि वो देख लें, किसी पंडित से पूछ लें, भैया राहु की दशा चल रही है या गोचर में राहु की महादशा है, तो वो शेयर खरीद सकते हैं। पूरी जमा पूंजी मत लगाएं, थोड़े थोड़े लगाएं। अब आपको एक मुख्य नुक्ता बता रहे हैं कि शेयर मार्केट में अगर आपकी इतनी बातें नहीं मैच कर रही, लेकिन आपका लगन ठीक है और वैसे सब कुछ ठीक है, मानसिक रूप से आप स्ट्रांग हैं, तो दो चार चीज़ें आप कर लें। एक तो अपनी जो बैठने की जगह है ना, प्योर मेरी इस सिद्धांत को मान लें, साउथ वेस्ट की दिशा अपनी ढूंढ लें। जिस जगह भी बैठते हैं, जिस स्थान पर भी बैठते हैं, वहां पे आप साउथ वेस्ट की दिशा देख लें। वहां बैठे, वहां कंप्यूटर रखें, टेबल रखें, वहां से शेयर मार्केट का आदान प्रदान करें। प्रभु ने चाहा तो आपका मार्केट बढ़ेगा, आपका धन दौलत बढ़ेगा और आपको फल की प्राप्ति होगी। दूसरा नुक्ता दे रहा हूं आपको, पश्चिम दिशा में जो भी आप जगह बैठते हैं उसकी एक पश्चिम दिशा ढूंढ लें। वहां पे एक पीतल का उल्लू रख दें। उल्लू जो है वो महालक्ष्मी के सवारी हैं और महालक्ष्मी का अगर आगमन हो रहा है, उल्लू जी अगर वहां बैठे हैं, शेयर मार्केट आपका एक सोर्स है,
और अल्टीमेटली हमको लाना है लक्ष्मी जी को। तो मान के चल लो कि आपके घर में, आपके पास लक्ष्मी विराजमान रहेंगी हमेशा। एक इसी जगह में जहां आप शेयर मार्केट करते हैं, साउथ वेस्ट की जगह में ही, उसके नॉर्थ ईस्ट के कोने में गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित कर लें। गणेश जो होते हैं विजन होते हैं, विजन आपका दृष्टिकोण। आप कभी भी गलत शेयरों में निवेश नहीं करेंगे, आपका जो सोचने का तरीका होगा वो हमेशा वो होगा, उसके बारे में सोचेंगे जहां आपको लगेगा कि ये मार्केट का जो शेयर उठा रहा हूं ये आगे जाके बढ़ेगा। कभी भी किसी की बातों में मत आओ, बस यही एक मेरा निवेदन रहेगा। अपने मन से, अपनी बुद्धि से करें, आपका आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति होगी। धन्यवाद। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद। कृपया करके मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको आने वाले समय में मेरे हर वीडियो समय पर मिलते रहें और आपका मार्गदर्शन और ज्ञानवर्धन होता रहे। धन्यवाद।